धे टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गूगल एक औषधीय पादप है जिसे IUCN ने हाल ही में रेड डेटा लिस्ट में संकटापन्न यानी इंडेंजर्ड के रूप में शामिल किया है। दूसरा, यह अधिकांशतः शुष्क यानी एरिड और अर्धशुष्क यानी सेमी एरिड क्षेत्रों में पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। गूगल एक औषधीय पादप यानी मेडिसिनल प्लांट है जिसे IUCN ने हाल ही में रेड डेटा लिस्ट में संकटापन्न यानी इंडेंजर्ड के रूप में शामिल किया है और यह अधिकांशतः शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। बहुमूल्य औषधीय पौधा गूगल अथवा गूगल का वानस्पतिक नाम कोमीफोरा वीटी है। यह राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों पर बहुतायत में पाया जाता है और इस पौधे की गोंद के अति दोहन यानी ओवर एक्सप्लाइटेशन के कारण ये पौधा वर्तमान में IUCN की संकटापन्न श्रेणी में रखा गया है। 2008 से राजस्थान में चलाए जा रहे गूगल बचाओ अभियान और राजस्थान सरकार के वन विभाग के प्रयास के परिणाम अब सामने आ रहे हैं और अरावली की पहाड़ियों में इस पौधे की संख्या में वृद्धि हुई है। वास्तव में यदि पेड़ पौधों के संरक्षण हेतु जमीनी स्तर पर काम किया जाए तो विलुप्त की कगार पर पहुंचे सभी पौधों को आसानी से संरक्षित किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC ने निम्नलिखित में से किस देश में डेवलपर से 900 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टेइक पार्क्स बनाने के लिए बोली मंगाई है? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्राजील, बी इथोपिया, सी क्यूबा या फिर डी मॉरिशस। इसका उत्तर है सी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC ने क्यूबा में डेवलपर से 900 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टेइक पार्क्स बनाने के लिए बोली मंगाई है। NTPC भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड ऊर्जा उत्पादक कंपनी है और NTPC अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका कॉरपोरेट साझेदार भी है। क्यूबा की सरकार ने सोलर फोटोवोल्टेइक पार्क्स बनाने के लिए NTPC को पसंदीदा साझेदार के रूप में चुना है और इस प्रोजेक्ट को यूनियन इलेक्ट्रिका डे क्यूबा और NTPC मिलकर पूरा करेंगे। क्यूबा की सरकार ने 15 राज्यों में 175 जगहों पर प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मदद ली है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के प्रोग्राम 6 के तहत NTPC चयन प्रक्रिया प्रोजेक्ट समझौते को देखने के साथ इसे लागू करने में मदद करेगी। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। टेलीनॉर निम्नलिखित में से किस देश की दूर संचार कंपनी है जो हाल में सुर्खियों में है? आपके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी डेनमार्क या फिर डी नॉर्वे। इसका उत्तर है डी। नॉर्वे की दूर संचार कंपनी टेलीनॉर ग्रुप ने म्यांमार से अपना कारोबार समेटने का फैसला किया है। कंपनी अपने ज्यादातर शेयर म्यांमार के कंपनी समूह वेब मनी को बेच देगी। वेब ग्रुप कंपनी समूह में म्यांमार के बड़े कारोबारी सर्गे पुन की कंपनी योमा स्ट्रेटेजिक भी शामिल है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि म्यांमार में बढ़ती अव्यवस्था के कारण टेलीनॉर ग्रुप ने यहां से जाने का फैसला किया है, लेकिन इससे लोकतंत्र समर्थक गुट भी खुश नहीं है। ताजा सौदे के मुताबिक टेलीनॉर ने अपने 51% शेयर योमा स्ट्रेटेजिक को बेचने का निर्णय किया है। टेलीनॉर म्यांमार में दूरसंचार सेवा देने वाली एक बड़ी कंपनी रही है। टेलीनॉर ने यह फैसला उस वक्त लिया है जब म्यांमार में सैन्य तख्तापलट का 1 साल पूरा होने वाला है। बीते 1 साल के दौरान सैनिक शासकों ने वेबसाइटों और ऐप्स की सख्त निगरानी की है। सेंसरशिप के कड़े नियम इस दौरान म्यांमार में लागू किए गए हैं और हाल ही में सैनिक शासन ने डेटा राजस्व पर 15% का अतिरिक्त टैक्स भी लगा दिया था, जिससे मोबाइल इंटरनेट सेवा महंगी हो गई है। साथ ही हर नए सिम कार्ड की बिक्री पर $11 का अतिरिक्त कर भी लगा दिया गया था, इसलिए टेलीनॉर ने ऐसा निर्णय लिया है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। हाल ही में किस हाई कोर्ट में राज्य की सभी अदालतों के लिए एक ई कोर्ट फीस प्रणाली के साथ स्थापित एक न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बी मद्रास उच्च न्यायालय, सी गुजरात उच्च न्यायालय या फिर डी प्रयागराज उच्च न्यायालय।
इसका उत्तर है सी। हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी यानी जस्टिस क्लॉक वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करेगी। इस दौरान न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा है कि प्रौद्योगिकी के उपयोग और मानव हस्तक्षेप के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि प्रौद्योगिकी बदलाव का सूत्रधार है, लेकिन बदलाव का चालक मानव मन रहा है और होना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ही हाल ही में न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत देने के लिए देश का पहला जस्टिस क्लॉक को लॉन्च किया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने गुजरात हाई कोर्ट में राज्य की सभी अदालतों के लिए एक ई कोर्ट फीस प्रणाली के साथ जस्टिस क्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश में न्याय प्रणाली के सशक्तिकरण पर अपने विचार भी रखे थे। अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। देवेंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा स्थापित की थी जिसका मुख्य ध्येय लोगों को ब्रह्म धर्म का पाठ पढ़ाना था। दूसरा, वर्ष 1851 में स्थापित होने वाले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का पहला सेक्रेटरी देवेंद्रनाथ टैगोर को ही नियुक्त किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो? इसका उत्तर है सी, यानी दोनों ही कथन सत्य हैं। 19 जनवरी को देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें देवेंद्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं, की पुण्यतिथि थी। एक ऐसे व्यक्ति की पुण्यतिथि जिन्हें देश के अमर साहित्यिक वैभव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता होने का गौरव प्राप्त है। वही रविंद्र जो 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। वही रविंद्रनाथ टैगोर जो जनमन गण के राष्ट्रगान के सूत्रधार थे। वही रविंद्रनाथ जिन्होंने महात्मा गांधी को रेशनल बने रहने की हिदायत दी थी, और देवेंद्रनाथ टैगोर के ये पहले रत्न थे। बात करें उनके दूसरे रत्न की, यानी दूसरे पुत्र की, तो वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्र पहले भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS की परीक्षा 1863 में पास कर अंग्रेजों को यह दिखा दिया था कि भारतीय भी उच्च प्रशासनिक पदों पर चयन किए जाने योग्य हैं, वो व्यवस्था चला सकते हैं। भारतीयों के हित में सिविल सर्विसेज आंदोलन को ऊर्जा देने वाले सत्येंद्र भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रूडेंस के साक्ष्य थे। वहीं बात करें देवेंद्रनाथ टैगोर की, तो भारतीय संस्कृति और बंगला साहित्य के विद्वान देवेंद्रनाथ ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से थे। जब राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो उसमें देवेंद्रनाथ टैगोर का भी सहयोग लिया था। एक हिंदू समाज धर्म सुधारक के रूप में उनकी मंशा थी कि देशवासी संस्कृति की अच्छाइयों को ग्रहण करके उन्हें भारतीय परंपरा, संस्कृति और धर्म में समाहित करें। 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ब्रह्म धर्म का पाठ पढ़ाना था। इस सभा ने मौलिक शास्त्रों को जानने तथा वर्तमान समय तक उनमें किए गए परिवर्तनों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया था। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी पत्रिका प्रकाशित की जिसके माध्यम से उन्होंने देशवासियों को गंभीर चिंतन, हृदयगत भावों के प्रकाशन के लिए प्रेरित किया। राजा राम मोहन रॉय के जाने के बाद उन्होंने ब्रह्म समाज का नई ऊर्जा के साथ नेतृत्व भी किया था। वर्ष 1851 में स्थापित होने वाले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का पहला सेक्रेटरी देवेंद्रनाथ टैगोर को ही नियुक्त किया गया था, और इस एसोसिएशन का उद्देश्य संवैधानिक आंदोलन के द्वारा देश के प्रशासन में देशवासियों को उचित स्थान दिलाना था। जिस साल उनके पुत्र सत्येंद्र ब्रिटिश भारत में पहले ICS अधिकारी बने थे, उसी साल देवेंद्रनाथ टैगोर ने बोलपुर में एकांतवास के लिए 20 बीघा जमीन खरीदी थी, जहां उन्होंने शांति निकेतन की नींव रखी थी। इसी शांति निकेतन पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके पांच में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, इस कार्यक्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। UPPCS क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय IAS का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ ₹100 में, और साथ ही पाए सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय IAS ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।